मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस खबर। अब मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के देवास के ग्राम बड़ी चुरलाई में 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला की का भूमि पूजन किया गया। यह गौशाला कांग्रेस शासन में मंजूर हुई थी, जिसका आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों के मुताबिक गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। गाय को किसी भी रूप में स्ताना घोर पाप माना गया है। उसकी हत्या करना तो नर्क के द्वार को खोलने के बराबर है, जहां कई जन्मों तक दुख भोगना होता है। गाय समृद्धि और प्रचुरता की देवतक है, यानी कि परिचायक है। वह सृष्टि के पोषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वह जगजननी है। उन्होंने कहा कि गाय इसलिए पूजनीय नहीं है कि वह दूध देती है, और इसके लिए इसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति भी होती है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में, यानी कि गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहाँ आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। इस मामले में वैज्ञानिक भी कहते हैं कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे इसका ठीक उल्टा करते हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह बघेल, राजवीर सिंह बघेल, मनोज राजानी, अशोक पटेल व राजेंद्र सिंह बैंस मौजूद रहे। और गौ माता के नाम पर राजनीति करती है और कांग्रेस एक के बाद एक ये भूमि पूजन करी, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक धर्म की बात अपन छोड़ दें। गौ माता समस्त कार्यकर्ता से निवेदन है कि चाय पानी की नाश्ता रखे, पूरे विश्व में मानी जाती है। नाश्ता करिए, नाश्ता और करके जाए। ने कभी गौ माता या धर्म के नाम पे रह जाए। समस्त कार्यकर्ता से निवेदन है, गौ माता की जो दुर्दशा कमलनाथ जी ने भोपाल बायकार जा रहे थे जब देखी थी, तब उन्होंने कहा सज्जन इसको एजेंडे में रखना है, जितनी गौशालाएं अपन बना सकते हैं दूसरा बजट काट दो, लेकिन गौ माता निराश्रित नहीं रहना चाहिए। तो हम तो ईमानदारी से काम में लग गए थे। बीजेपी के 15 साल में गौशालाएं कम बनी, लेकिन गौशाला गौ माता के कत्ल खाने जरूर ज़्यादा बने, तो हम तो निस्वार्थ कर रहे हैं गौ माता। अभी 2 दिन पहले भैया मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं होता, अधिकारियों पर दबाव बनाया गया था जनता लाने के। ये 15 साल इसका चेहरा देख देख के शिवराज का जनता हो गई बोर, जब ही तो उसको हटाया, अब ये फिर आके बैठ गया तो जनता की यार उसकी कब तक झूठ सच सुने। अच्छा चलो शिवराज, अब आ गए ज्योतिरादित्य। जनता ने देख लिया कि यार ये अपने साथियों को चुनाव जिता के बेच तो देता, अब इस बिके हुए आदमी के भाषण में दम ही नहीं है, क्या फ़ायदा? तो जनता का मोह हो गया भंग। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लाला के कुर्सियाँ भर रहे। अभी सावेर में परसों का वीडियो आया, आपने खुद देखा हो, आपकी चैनलों ने चलाया, पूरे लोग उठ उठ के भाग गए, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इससे समझ में आना चाहिए कि 28 में से 28 सीट कांग्रेस जीत रही है। कार्यक्रम था आज, ये कार्यक्रम गौशाला के लिए था, राजेंद्र सिंह जी बेस उनके सभी सम्मानित साथियों ने रखा, जो गौ माताओं की जो हालत मध्य प्रदेश में हुई है, आप सब सर्वविदित है, गली गली चौराहे चौराहे मोहल्ले मोहल्ले गाड़ी बैठती थी। अभी सज्जन भाई ने अपने भाषण में उद्बोधन में भी बताया कि कमलनाथ जी ने इसको सबसे पहले प्राथमिकता से लिया था, उसी दाता में उन्होंने करीब 1000 गौशालाओं का निर्माण कार्य मध्य प्रदेश में हुआ। उसी योजना का एक हिस्सा ये है, चौराहे में ये गौशाला बनने जा रही है, जो राजेंद्र सिंह जी ने इसके प्रयासों से, उनके साथियों के प्रयासों से गौशाला आई है। तो सभी लोग इसमें गाँव के भी सभी लोग मदद कर रहे हैं ताकि गायों का विधिवत यहाँ उपचार हो सके, गाय विधिवत तरीके से यहाँ रह सके, ये सारी व्यवस्थाएं गौशाला में रहेंगी। भैया आगे अभी चुनाव है, आपकी जीत के लिए क्या कहेंगे आप? जीत के लिए सब लोग आपके सामने उपस्थित हैं, इस क्षेत्र से पुराना 35 साल पुराना हमारा संबंध है, हर व्यक्ति से यहाँ पारिवारिक संबंध है, और निश्चित तौर पर जो 22 विधायक गए हैं और जो पार्टी से और कार्यकर्ताओं से उन्होंने दोगलापन किया है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इसमें मुँह की चोट खाएगी। ग्राम पंचायत बड़ी चुल्लाई चुल्लाई है, जिसमें गौ माता का गौशाला का भूमि पूजन है, जिसमें मुख्यमंत्री आप देखें सज्जन भी आए, बगल साहब आए, हमारे कांग्रेस पक्ष से राजीव सिंह वगैरह मनोज राजी ने उसको बताओ के भ्रमण किया है। अभी आगे चुनाव है, चुनाव के लेके आपके क्षेत्र में क्या है पोजिशन कांग्रेस? जैसा है कि आपने उसके पहले भी 2018 में आपका भी मीडिया इसे, और मैंने मीडिया को बुलाया भी था कि
जिसके लिए मैंने लाखों रुपये खर्चा करा, एक एक मतदाता पेड़ भर के उसको मैंने विधायक बनाया, उसको मैंने जिताया, लेकिन दलाल निकला, उसका बाप भी दलाल वो भी दलाल, जिसने 35 करोड़ रुपये लेके जनता को बेच दिया, आम कार्यकर्ता को बेच दिया, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई उसने, तो ऐसा गद्दार वापस आ रहा है। और हमारे बीच में राजवीर सिंह बघेल ऐतिहासिक वोट 20,000 से ऊपर से वोट से जीतेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.